हेलो जी, राम राम। कैसे आप सब? उम्मीद करूँ कि भाई सब के सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दीपावली। आज है छोटी दिवाली और व्लॉग डला भैया कल ने। एक तो सबसे पहले जो चैनल पर पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब करे बना मत जाया करो, और वीडियो ने देख कर लाइक कर दिया करो प्लीज। एक आधी जगह जी करे तो शेयर कर दिया करो। तो भाई टाइम हो गया है, तारीख आज 11 है और टाइम हो गया 4 बजने वाले हैं। बजे तो है नहीं, 10 मिनट रह रही है। तो मन अपने ब्लॉग की शुरुआत भी इसी टाइम तक करी है और काम करते करते बज गए हैं 4, क्योंकि भाई सुबह तो रही थी तबीयत घनी ख़राब, मेरी दवाई से पड़ गई थी तो उस वजह से बुखार और सांस में प्रॉब्लम हो जावे है। तो वो मन पानी पत्ते कर ली थी सार्थक के पापा ने, शाम की ड्यूटी थी तो सुबह आई है मैं। इंजेक्शन लग गए पीछे, थोड़ा सांस सा आवे है, बुखार उतरा है। तो मतलब इंजेक्शन लग गए पीछे तो ऐसा हो जावे शरीर अलग सा ही। उससे पहले मेरा कुछ काम करने का जी नहीं करता, बस मजबूरी में खाली दर्द तो काटे दिन कहोगे, रोज की रोज बीमारी ही बताने लग गई। परेशान नहीं इतने हो रही हूँ, 3 महीने हो लिए, मतलब जी हा दुखी रहा है। काम सारे करने पड़े हैं फिर भी तो सुवा लगवाए पीछे। मेरा 11 बजे ही आराम हुआ था, तो 11 बजे थे, 4 बजे थी सुवा तो लगवा लिया था मैंने, लगभग 7:30 बजे ही लगवाया आई थी मैं, लेकिन 11 बजे थी। फिर इतना असर हुआ, थोड़ा टाइम तो लग गया जावे है। दवाई ली और सुए का असर में 11 बज गए। फिर उसके बाद थोड़ा सही आराम हो गया था। आराम होने के बाद सार्थक नु आया, मैं खुद भी ना आई, सिर धोया आज कई कई दिन में जी हा कर रही भी। और बाकी बेचारे सार्थक की हेल्प हो गई थी, मैं आज घर पे था, पोचा उसने लगा दिया था, झाड़ू मैंने दी थी सारी। भी थोड़ी साफ सफाई से भी करनी पड़े दिवाली के उस पर, और एक आध और भी करना पड़े। बाकी ये सूट है ना, देखो ना को गई सी बात को है, यानी मेरा अड़े तो बात जवाब है कौन थी पहले, लेकिन ये तो यार कुत्ते ऊपर भी हो जाए, पहले नहीं आ रही थी तो चोखा फर्क सा हो गया। ब्रेक नॉर्मली वेट घटे उसकी तो कोई दिक्कत होती को ना, कि पड़के कित जाना वो बात तो ठीक है। एक ठाली भी रह रहे हैं इस टाइम पे और वेट भी मतलब चलो घट जो अच्छी बात है, लेकिन बीमारी में घटना थोड़ा महसूस हो। तो देखो भाई हम केले का ही हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान मंगवाया था वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, क्या क्या मंगवाया है। मिठाई वगैरह तो हम अपना भाई घर पे बनाऊंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में मिलावटी सौदा ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने मंगवाई थी कल, जैसे यहाँ पर गोवर्धन डाला जाओगा बड़ी दीपावली को, तो उसकी पूजा के लिए खिलौने और खील, मिट्टी और फीकी और खिलौने, माने ये खिलौने बहुत बढ़िया लगे। अगर भाई ये खांड सी के बने हुए हैं ना, अच्छे हैं। और बाकी उस पॉलीथीन में देख रही छोटी सी मोर रखी है, मखा क्या है उसमें। और सार्थक तथा कह रही थी बेटे इन्हें ऊपर रखा, मखा क्योंकि नीचे तो जूठे गूठे हाथ लागण का थोड़ा वह है। तो वो थे खरबूजे के बीज, ड्राई फ्रूट अपना, अगर वो मैंने घर पर जो कल मिठाई बनाएगी उसमें यूज करने हैं इसलिए। और सब्जी माए दे टमाटर और गाजर, सीजन में पहली बार लेकर आए भी गाजर। तो तो काम करते करते सार्थक तो बेचारे तो कुछ खाण पीण का भी दिया तो करवाई उसने रो पीट के, तो उसके लिए थोड़ा दूध कर दूंगा। बालक ने भी खाण पीण ने भी चाहिए, पीवेगा तो रो पीट के, लेकिन ये कर दे उससे ही दूध। बाकी चाह पीऊंगा भी नुकसान करे, डॉक्टर ने बंद करी थी बीपी की प्रॉब्लम हो रही, दूध पींदा नहीं तो मुझे जी नहीं करता। बाकी चाह पीने का ही मन कर, तो उसके लिए साथ ही रख दू दूध। सार्थक के दूध में मैं यूज करया करूं अदरक और खांड,
और एक चीज और दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये अदरक की तरह दिख है, जो बतासको के है, ये अदरक है, ये ऐसे है अदरक की तरह। ले मैं ही बता दूं, थर्ट है यालदी है, घर आई लाग रही थी, एक दो पेड़े है भूरे थे, तो मैंने या अच्छी हो या अदरक में। और सार्थक इसके टेस्ट में राज्य होकर पी भी ले हुए हैं, तो थोड़ी बहुत तो या गिर दिया करो, मामूली सी, सिर्फ कलर चेंज होती और थोड़ा सा अदरक, तो उसने टेस्ट आ जाए इस चीज से। इसको इसके साथ कूट के या अदरक तो सूख जाए पड़े पड़े। यह छोटी सी कुंडी सिर्फ पुटन थी मेरी। बीमारी का जबरा भी ज्यादा कर लो डेली, क्योंकि बस कौन है, जब शरीर में हिम्मत सी होगा तो नहाने का भी धोने का सारे काम करने का जी कर जावे। बाकी नहीं तो गाना बे बुरा हाल है, सांस की प्रॉब्लम हो लगी, देखो यहाँ तो ऊपर सांस नहीं आता यहाँ तक, और सुहा लगने के बाद कति मतलब शरीर ऐसा हो जाए जो बीमारी नहीं थी कुछ भी, खाली गोली गोली भी असर नहीं करती। फिर मन तो वो देख डॉक्टर को दिखा था, वही थी इतने रुपये कैसे देखेंगे, ये काम रह रहे तो पर्ची पे लिख रही थी जो जिन तक मेरा आराम हुआ था, मैं तो दोबारा वो ही मंगवाई, 2000 तक उनकी दवाई नहीं आती, मिला भी उससे हॉस्पिटल पाएंगी खाली। तनी सारी आने घबराहट सी बनी रहे कि खड़ा हो रहा है, और लोकल न जाओगे भैया, शाम तक ही दिखाऊंगे, 4 बजे तो शुरुआत करी खाली। बढ़ गया किसने, 5 मिनट ठंडा कर दूंगी पंखा चला के, ठंडा हो जाओगा ये। जल्दी क्योंकि फिर इसने 4:30 बजे जाना भी है, और मैं लगाऊंगी मशीन तो आराम है, तो मखा करेलुए का दा काम, फिर सुबह का के बुखार हो जा रही है। देखो इसके मजे दिखाऊंगी तुमने, ये देखो इसके मजे मजे हो रहे इसके, तो काम करना नहीं इसने, बंद कर दे थोड़ी आने बेटा, ये सीन का पूरा ही नहीं हुआ है। और आज अमन नर सार्थक ने कौन सी मूवी देखी थी सार्थक, हमने कौन सी देखी थी, मैंने उसका नाम नहीं लिया, भूल गया किसकी थी, और ये चादर धोई थी बेड की, आराम करा थे जब मेरा बुखार सा हो रहा था, तो वो फिल्म थी हुई तारे जमी पर, किसी थी मन बहुत बढ़िया फिल्म लगी गाइस, वो पहली बार देखी, देखनी चाहिए जरूर कति, सोच तो मैं कई बार रही थी उस फिल्म में देखूं, क्योंकि बहुत शिक्षा प्रद मतलब फिल्म थी, तो आज मौका लग गया
मगर काम तो कर देने कुछ इतना, चलो वो मूवी देखेंगे। वो तो 10-12 साल पुरानी रही होगी वो, लेकिन देखी मैंने वो पहली बार। बीच बीच में तो देखा तो समझ में कौन आंदी, और पूरी देखा है तो समझ में आवे। क्या शिक्षा मिली थी रे उस टाइम? बैठा को बता सही, क्या शिक्षा मिली थी उस टाइम बता। टीवी में बढ़िया रहो बता, आज बोल, बोलना चाहिए कैमरे के सामने। ये काम देख लियो इसके, बता जल्दी। भाई शाम का टाइम हो गया, शाम के टाइम पढ़ाई है। अब वे होंगे दिए, और छोटी दीपावली है तो दिए भी होंगे पानी में। के अंदर पानी डाल देंगे थोड़ा, ये बाल्टी के अंदर डाल लिए हैं, इनमें पानी डाल दूंगी थोड़ी आनती है, फिर बेच जाएंगे। भी अपने कसन दर मांजूंगी थोड़ी अड़ में बहरे दर का मांजा करूँ। अब इनके अंदर पानी डाल दी, फिर दी लाऊंगी। गाइस पहले मंदिर में जोत ला पाऊँ शनिदेव, क्योंकि आज शनिवार गणेश दिन हो गया और दीपावली भी है, तो इस वजह से पहले जोत लगा कर फिर आकर दिए और लड़ी लगाऊंगी। आज हमने लगा नहीं लिया अब तक। हेलो गाइस, मैं फोड़ूंगा और भीड़ बम, देखो मैं कुकर फोड़ूंगी, याद रखूंगा फिर जलाऊंगा फिर उन्हें पका दूंगा। देखियो करूँगी मैं तो, एक बम मैंने पहले से निकाल दिया। देखा आपने कैसे फूटा, देखो तो कमेंट में बताइयो। भाई मैं और भी बेड़े बम फोड़ूंगा, मैं और भी बम फोड़ूंगी, पहले बेड़े बम फोड़ेंगे ठीक है। बेड़े बम आज तो गिना, बाकी कल बताऊंगा। इससे आगे वाली क्लिप सार्थक ने खुद बना रखी थी। हम मैं तो मंदिर में जोत लगाने चली गई थी शनि देव पे, मगर दीपावली भी तो जोत लगाया हूँ, तो अपना बम भटकाने के चक्कर में थोड़ी क्लिप मन अच्छी लगी, तो मैंने वो भी ऐड कर दी। भी बच्चे ने अपने मन तो अच्छी बनाई थी, तो यहाँ पर मैंने अपने दिए थे जो भी जो भिगो के भाई भी थोड़ी जीप स्लिप हो जाए, तो वो निकाल ली थी। मन पानी में बेका सुखाए ना थे दोबारा, मतलब इतना टाइम सा था ही नहीं, तो इस वजह से अपना पहले बे दिए थे, फिर घने आन नहीं सुखाए, मतलब कि गिल लेन में तेल डाल दिया था। और ये बनाई थी ज्योत, मतलब बात बाती बोलिया कर जिनने, वो सारी चुगड़िया में डाल ली थी। थोड़ी सी क्लिप निकलवा ली थी सार्थक पे, ज़्यादा दिए तो लगाए नहीं थे, सिर्फ ओनली 11 लाए थे मन तो। मकास तो इतने बतरे कल बड़ी दीपावली पर लगा लेंगे, इतने ज़्यादा जो लगाने होंगे भाई। एक आज कल लोग पूरा देख लियो प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी थारे थे, स्किप मत करियो की थी तय भी, क्योंकि घनी मेहनत तो बनाए जावे हैं और तबीयत खराब चल रही, फिर भी अपना लागे रहे हम तो। फिर ये लगा दिए थे माचिस के साथ सार दिए, लगाने की जगह बतेरी अपन भी कितने दिए धर लो, कमा पेसी तो है ही नहीं जगह की रखने के नाम की तो, लेकिन हवा चल रही थी तेने अच्छे तरह बढ़ नहीं पाए दिए। थोड़ा ये था कि हवा में लगा का आई तो जल्दी ये बुझ गए थे, ज़्यादा देर बड़े नहीं, तेल भी शायद इन में ऐसा ही रह गया था, माहौल थोड़ा अच्छा ही था दीपावली के टाइम पे। रौनक सी जो मना भाई दीपावली का त्यौहार सबसे फेवरेट है मेरा, ये तो है भाई पहले जैसी रौनक तो अब आजकल रह नहीं रही कहीं भी, लेकिन फिर भी फेस्टिवल भाई दीपावली का अच्छा लग गया है। तो
कुछ दिवे मन अपनी गैलरी की छत थी इस पर रख दी थे, पर दी ही पे एक दिया यहाँ पर रख दिया था, बाकी लाइट लगा दी थी हमने, तो इस ग्रिल पर तो मखा रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर बाकी 6-7 दिए मैंने अपनी इस छत पर रख दिए थे, ऐसी जगह पर रखने चाहिए भी जहाँ तक दिखे भी किसी ने, तो मखौर लेकर ना तो सारे का रुका हो रही है किसी ने कुछ दिया मखाई इसी जगह रख भाई, थोड़ा मन अच्छा लग गया अगर मतलब दिख है जो अपन हो या किसी और को, तो यहाँ पर सार्थक कर रहा है फुल जड़ी चलाने की तैयारी और चला रहा है। बाकी व्यू एक नंबर का अच्छा था, प्लीज़ पूरा व्लॉग देख लियो, बार बार कह रही रिक्वेस्ट कर रही हूँ थारे तय नुगे ने फेंक दी, मन लाग डरा डर ये दरिया है मुंह गेर लिए, फिर मेरे कान में नू कोई कुछ नहीं कहा करता क्या डाम है मुंह फेंक लिए। तना पता ना मैं बम्बा तड़रू ये कभी भी किसी के कान उल्टे काम करने नहीं चाहिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, आपने आप खुद लापरवाही कर तो दूसरा करे, बेरा कितनी बड़ी घटना हो जाया करे, तेरे कान फूकूंगा अरनुए तो मैं मंगवाऊ नाटू थी तेरे पापा तय और हाथ में खुद भी लाग जाएगा, बस फुल जड़ी छुटा ले चल दिख रहा है। Thank you.